और ये है हमारा क्यूट सा गोल्डी, इसका नाम गोल्डी है, गोल्डी। ठीक है, ये ना आजकल ही लाया, कितना क्यूट सा है ये, कितना क्यूटी क्यूटी है ये। भूख लग रही तेरे को कि धूप लग रही? पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरू राणा स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह की 9 बजे से, और अपने मायके बसंत नगर से। फिलहाल मैं बसंत नगर आ रखी हूँ 2-3 दिन से, और मैं अभी अभी उठी हूँ, मुँह भी नहीं धुला मैंने अभी, बिंदी मेरे बटन ने काल दी है मेरी, तो इसलिए मैंने अभी पहले मैंने अभी थोड़ी देर बाद मतलब ब्लॉग बनाऊँगी। और तो मौसम देखो कितना शार्प हो रखा है आज। और सबसे मेन बात, आजकल आ रखे हैं मेरे चाचा लोग, और वो आ रखे हैं टिहरी गढ़वाल से। तो मतलब एक दादा वहाँ पे रहते हैं हमारे, और एक दादा यहाँ आए थे, तो उनके बेटे हैं वो। तो मेरे को ना शादी के बहुत टाइम बाद मतलब उनसे मुलाकात हुई, लगभग 3 साल बाद। तो लगभग ना मेरी शादी में आए थे, हाँ मतलब लगभग क्या, मेरी शादी में आए थे वो दोनों, चाचा भी दादा लोग भी, मतलब बहुत सारे लोग आ रखे थे उधर से। तो मेरी शादी को 3 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अक्टूबर में, और तो तब आए थे वो 3 साल पहले। तो 3 साल बाद मतलब शादी के बाद मतलब पहली बार उनसे मुलाकात हुई, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है उनसे मिल के। और उनके साथ मतलब शाम को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं, बहुत पुरानी बातें करते हैं। और उनके साथ ना मतलब काफ़ी अच्छा मतलब सुकून मिलता है, उनके बात सुन के काफ़ी हंसी मजाक भी होते हैं। और गांव में तो फिर मज़े हैं, मेरे बेटे के भी मज़े रहते हैं गांव में, उसके भी यहाँ पे आराम रहता है उसके लिए, और धूप भी अच्छे से मिल जाती है। तो फिलहाल अभी हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने का टाइम तो हो ही रखा है, 9:30 हो गए हैं, और नाश्ता करते हैं चाचा लोगों के साथ बैठ के। तो दिखाती हूँ आपको कौन कौन है, और भैया भी आ रखे हैं घर पे, तो सबको दिखाती हूँ आपको नाश्ता करते। तो आप लोग सोच रहे हैं मेरी आवाज़ एकदम से मोटी मोटी आ रही है, मतलब चेंज आ रही है मेरी आवाज़, तो मुझे लग रखा है जुकाम और खांसी बुखार सब हो रहा है आजकल। तो आजकल मौसम भी ऐसे हो रहा है, तो मौसम के चक्कर से ठंडा भी हो रहा है, तो इस चक्कर से खांसी जुकाम बुखार सब हो रहा है आजकल, तो इसलिए मेरी आवाज़ भी चेंज आ रही है। और आँख में भी फिर से मेरे दर्द हो रहा है, पता नहीं कुछ टाइम पहले हुआ था, फिर आजकल भी ये देखिए लाल और क्या आँखें पता नहीं क्यों रखी है, आँखें भी दर्द हो रहा है, इसलिए मेरी पूरी आवाज़ चेंज, शक्ल भी चेंज, सब चेंज आ रही है इसमें। तो फिलहाल नाश्ता करते हुए दिखाती हूँ आपको, तक बने रहिए मेरी वीडियो में, और आगे भी दिखाती हूँ और क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, बने रहिए तब तक मेरे साथ। हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार है, तो नाश्ता, ये हैं छोटे चाचा, ये हैं भैया, और ये बड़े चाचा, और ये हमारे चाचा हैं। तो ये सब लोग मिलके कर रहे हैं नाश्ता, और साइड में बैठा हुआ आ रहा भतीजा है, और यहाँ पे मम्मी एकदम साइड में बैठी हुई खाने के धूप के आनंद ले रही है, तो धूप में। और ये है मेरे वाला नाश्ता, तो मैं भी ना इनके साथ ही कर रही हूँ, तो मैं ना अभी चेयर में बैठ रखी हूँ और धूप का आनंद लेते हुए। बाहर धूप भी देखे सामने कितनी अच्छी आ रखी है, और सबके साथ नाश्ता करके ना बात ही कुछ हो रहा है, और एकदम से मज़ा आ रहा है, एकदम मस्त लग रहा है कड़ाकेदार धूप में। और आप देख सकते हैं पीछे कितनी अच्छी धूप लग रखी है, और अभी धूप भी जस्ट थोड़ा से आ रखी है जगह से अपने बाहर निकल के, देख सकते हो आप। तो हम सब लोग भैया चाचा लोग सब मिलके बाहर नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी एकदम नाश्ता करने के लिए तैयार बैठा है, और यहाँ देखिए दही खा रहा है, इसको ना दही बड़ी पसंद आती है, तो दही ना ये देखिए मेरी थाली से भी चोर चोर के निकाल रहा है अपनी थाली में, तो इसको ना दही बड़ी पसंद है, और दही दे दो इसको तो फिर तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। और चाचा लोग भी अभी नाश्ता करके एकदम धूप के आनंद ले रहे हैं, बाहर बैठे हैं, और मम्मी और सब बातें कर रहे हैं साथ में, और भैया भी बैठ रखे हैं यहाँ पे, तो अभी सब अपनी बातें चल रही है इनकी,
अपने घर की बातें पुरानी बातें। तो भाभी यहाँ पे बर्तन धुल रही है नाश्ते के, और हम फिर भी अभी भी चेयर में बैठे हुए हैं बाहर पे, दुकान ले रही है और मम्मी भी साथ में है। और यहाँ पे भैया और मम्मी की हो रही है बहस। मम्मी कह रही है कि आज नहीं जाना है, देहरादून आज 31st है, तो आज ना घर पे ही रह ले और कल चले जाना है। तो भैया बोल रहे ना मेरे को जाना ही है, जाना है। और तो मम्मी ना अभी तक मोबाइल भी छुपा रही थी भैया का, और उसने मतलब ले लिया। और यहाँ पे दादी बैठी है, दादी जी और चाची, तो इनकी ना चाचा भी मतलब भैया का ही सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं आज काम होता है होटल में, इसलिए चले जाओ और जल्दी जल्दी कर ले फिर टाइम से। पर मम्मी मान नहीं रही है, मम्मी भैया को बोल रहे कि नहीं जाना नहीं जाना कल चले जाना, पर भैया मान ही नहीं रही है, तैयार भी हो गए। ये है हमारा क्यूट सा गोल्डी, इसका नाम गोल्डी है, गोल्डी ठीक है। ये ना आजकल ही लाया, कितना क्यूट सा है ये, कितना क्यूटी क्यूटी है ये। भूख लग रही देखो कि धूप लग रही, क्या लग रही देखो। नहीं बेटा जोशी ने पकड़ता शिवांश, ऐसे करते उसको, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे करते उसको। ये ना बहुत प्यारा है और मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि लाया तो ये अभी अभी है, कुछ टाइम पहले मतलब कुछ दिन ही हो रखे है इसको ला रखे है अभी। पर इसकी जो शक्ल है ना भोली भाली मासूम सी, बड़ा प्यारी है। नहीं शिवांश मारते नहीं उसको, आइए देखो यहाँ पे शिवांश इसको ना मार रहा है, इसको भी मौका मिल रखा हर टाइम पे तो डरता है इससे। और ये भी इसके पीछे पड़ा रहता है, इसके पिजामा खींचते रहता है, पीछे से टांगे खींचते रहता है ना रे। और इसके पैर तो देखो कितने सुंदर है ये देखो। और ये हमारे लीला घसियारी है ना, इसका फेस भी देखो अपना क्यूट है। और यहाँ पे है स्कूटी, और फिलहाल आज 31st है तो इसलिए भैया भी जा रहे हैं अभी। तो मम्मी तो कितना जोर करा कि यहीं रुके हैं, पर नहीं करे क्योंकि नीचे काम है होटल में, तो इसलिए भैया भी जा रहे हैं। फिलहाल तैयार बैठे हैं जाने के लिए, और बाकी सब यहाँ पे बैठे हैं अपने अपने में ही मगन और रखे हैं। बंदूकी चाबी लगाने ला, बंदूकी लगाने चाबी ता देता ले। ये कितनी बड़ी? एक नौ मा, एक नौ मा पढ़िया। वहाँ लगाते हैं वहाँ। तब अब तो इलेक्ट्रिक जमाना है ये। देखिए अल्लाह कारी इसने चाबी। दे दे बाय शिवांश बाय। शिवांश भाई पोर बटन आउंदी साइड बटन आंदा जो तक फील्ड खाली ना जो तब तक नौन तक। फिलहाल और चाचा भैया लोग तो चले, भैया मतलब चले गए हैं, और चाचा लोग ये देखिए सामने जा रहे हैं ऊपर, तो ये जा रहे हैं भाभी की मायके की ओर, मतलब चाचा की ससुराल भी उधर से ही है, तो इसलिए ये उधर जा रहे हैं घूमने के। और वो है नवोदय के यहाँ पे, नवोदय के नीचे। तो अभी फिलहाल उनको मिलने जा रखे हैं क्योंकि उन्होंने बुला भी रखा है, तो तीनों चाचा जा रहे हैं वहाँ पे, साथ में दो बच्चे भी जा रहे हैं। और फिलहाल वहाँ पे देख रहे हैं वो खेत के कहाँ तक है, तो दिन में आएंगे लंच करते समय, मतलब लंच करने के लिए आएंगे। अभी फिलहाल नाश्ता करके चले गए हैं उधर घूमने घूमते घूमते, और साथ में उन्होंने मंदिर की तरफ भी जाना है, तो मंदिर भी इधर ही है, तो मंदिर में दर्शन करके भी जाएंगे क्योंकि इन्होंने मंदिर कभी देखा नहीं है इधर को,
तो इसलिए मंदिर पे भी जाएंगे, वहाँ से फिर आएंगे घर। और मौसम देखिए आज कितना साफ हो रखा है, आसमान देख सकते हैं आप कितना नीला नीला लग रहा है, एकदम से मस्त, एकदम मस्त कड़ाकेदार धूप लग रखी है। और ऐसे धूप में तो दिन में आराम से नींद आती है, ऐसा मन करता है कि सोए ही रहना चाहे दिन भर। तो देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है धूप के चक्कर से। तो आजकल तो धूप ऐसी है कि बस ज़िंदगी लगती है कि धूप ना हो तो कुछ ना हो। फिर ये देखिए, और फिलहाल इनमें गेहूँ हल्के हल्के जम रखे हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, बारीक हैं अभी फिलहाल। और हाँ फिर से बोल तो, किसको बुला रहे ताई जी? कहाँ है ताई जी? रास्ते में कोई जा रहा है, उनको बोल रहा ताई जी हैं। ताई जी है वो है? किससे मारा गया? इस बंदूक से। मजा आ रहा है तेरे घर में ना? बोल जनवरी फरवरी बोल। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे लकड़ी और एकदम बारीक केड़ों के जैसे, इनको ना हमारे अपने भाषा में गढ़वाली भाषा में पतकेड़े बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं? और ये ना बांज के होते हैं, जो बांज के पेड़ होता है उससे काट के लाते हैं इसको, इतने बड़े बड़े, तो भाड़ा लगा के लाते हैं पशुओं के लिए। तो पत्तियाँ ना वो पशु खा जाते हैं, गाय भैंस बैल सब खा जाते हैं पत्तियाँ, थोड़ी थोड़ी रह भी रखी है इसमें, छोड़ रखी उन्होंने, तो वो खा जाते हैं। और बाकी इनको अच्छे से मतलब जो पत्ते रहते हैं उनको निकाल के धूप में कुछ दिन सुखा के फिर झाड़ते हैं इनको, और पत्तियाँ पूरे निकाल के इसको मतलब अच्छे से फिर सूख भी जाते हैं, इस तरह से रखते हैं। और आग इतनी अच्छी जलती है ना इन पे, और कि पूछो मत। वैसे भी ये बांझ ही होती है, तो बांझ की लड़की लकड़ियाँ तो सबको ही पता है कितने अच्छे कोयले होते हैं, तो इनके भी ना बहुत ही अच्छी आँच आती है आग भी, और आग भी बहुत जल्दी जल जाती है क्योंकि पतले होते हैं एकदम, तो पतकेड़ा इसीलिए बोलते हैं इनको। पत्तियाँ तो सारे खाए जाते हैं, तो इनको ना जहाँ मैंने, अरे देखिए जब मैंने अभी दिखाया था कि बांझ के मतलब वो लकड़ी होती है, और ये है वो बांझ। अरे देखिए अच्छे से देखिए, ये बांझ के पत्ते गाय भैंसों के लिए, तो पत्ते पत्ते ये खाते हैं। और ये ला रही है अम्मू, नीचे छोड़ दे, वहीं पे रख रही, पलटे ना तक होती तो क्या छको छकने बाहर करे उठता है खाने में। हमने ना मतलब दिन में जो भी किया वो सबने दिखा दिया वीडियो पे, और अभी हम सीख रहे हैं आग यहाँ पे, सभी लोग बैठे हैं और चार लोग जा रखे हैं घूमने, और ठंडा लग रहा था सोचा अंदर जाके भी क्या बैठना है अभी से, फिर इसलिए हमने भारी चलाया आग और भारी बैठे हैं सब लोग, चाचा लोग, मम्मी लोग, भाभी लोग, सब लोग। तो आज की वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।